काय झालं? अरे वो लुईस की बेटी फेनी वो हायर स्टडीज के लिए ऑस्ट्रेलिया चली गई। और ते नहीं हो, पिंकू का क्या बोला ते बोला। हाँ वो अच्छा अच्छा हाँ नहीं वो लुईस जी है ना वो वहाँ पे कस्टम ऑफिसर है तो उन्होंने कहा कि वो बच्चों की हेल्प करेंगे। अरे वाह कुडाई जी ने उनको भेजा होगा। कुडाई जी तेरी लाख लाख में है। मिस्टर लुईस ने कहा तो है कि वो पूरी कोशिश करेंगे, अभी देखते हैं क्या होता है। देव करो आणि पिंकू बाबाला टप्पू सेना इथे लवकर घेऊन येऊ। ओके अंदर जाने की परमिशन मिल गई है। एयरपोर्ट है। हाँ लेकिन एक बात है, आप सबको अंदर नहीं ले जा सकता, मैं सिर्फ दो लोग अंदर जा सकते हैं। हाँ तो मैं चला जाता हूँ, और कौन आएगा? नहीं नहीं एक मिनट पोपट, मुझे लगता है सोनू और टप्पू को अंदर जाना चाहिए। ओके ओके ओके। नहीं नहीं दादाजी आप और हम दोनों जाते ना अंदर। अरे नहीं नहीं बेटा मैंने उसे बहुत डांटा है, हो सकता है मुझे देख कर वो और डर जाए। तुम दोनों अंदर जाओ, तुम उसके दोस्त हो, दोस्ती का लगाव अलग ही होता है। हाँ हाँ दादाजी चल सोनू। वो टप्पू यार कुछ भी हो जाए पिंकू को लिए बिना वापस मत आना। एयरपोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर इन आईडीज को पहने रखना बहुत जरूरी है, इज दैट क्लियर? ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। आई विल ट्राई माय बेस्ट लेकिन एयरपोर्ट प्रीमाइसेस में मैं आप लोगों को यहाँ ज्यादा देर के लिए नहीं रख सकता। Now, पिंकू को ढूंढने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा लेकिन अगर इमिग्रेशन प्रोसेस हो गया तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। सो वी हैव वेरी लिटिल टाइम। अंकल एक रिक्वेस्ट है, हम पिंकू को यहाँ आसपास ढूंढ सकते हैं? श्योर थैंक यू। चलिए थैंक्स। सुनो तू इस तरफ ढूंढ, मैं उस तरफ ढूंढता हूँ। गेट नंबर 13। सो देयर्स अ सिनेरियो एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। क्या हुआ, मिला आपका दोस्त? नहीं। ठीक है अच्छा सुनो अजय को मेरे कैबिन में भेजना। okay. आप लोग चलिए मेरे साथ। प्लीज कम बैठिए बैठिए। नहीं नहीं इट्स ओके। कनाडा की फ्लाइट थी ना? हाँ। गेट नंबर 13। अजय गेट नंबर 13 से जो कनाडा की फ्लाइट जा रही है उसका क्या स्टेटस है? सर फाइनल सिक्योरिटी चेकिंग चल रहा है। ओह थैंक यू। पैसेंजर नेम पिंकू। टप्पू को एक आखिरी बार फोन करके उसकी आवाज सुनकर उसे बाय बोल देता हूँ। नहीं 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 मैंने फोन किया तो वो मुझे रोक लेगा, मुझे बात ही नहीं करनी। आज हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे, नहीं होंगे। कभी भी एक दूसरे को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। आप सब मोबाइल हो तो मैं सिम कार्ड हूँ और आप सब टीवी हो तो मैं केबल कनेक्शन हूँ। आप सब समोसा हो तो मैं चटनी हूँ। ओए आप सब
लस्सी हो तो मैं दही हूँ। तुम सब पेन हो तो मैं बुक हूँ। वेरी नाइस। हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अधूरे। जब बारिश होगी तब एक दूसरे का छाता बनेंगे, और अगर धूप होगी तो हम एक दूसरे का साया बनेंगे। प्रॉब्लम होगा तो एक दूसरे का सलूशन बनेंगे। यस, कभी ना टूटने वाली हमारी सेना टपू सेना। टपू सेना। टपू सेना। क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रहे हो? वो अंकल पिंकू हम सबको छोड़ के जा रहा है ना, तो बहुत ही टेंशन हो रहा है। काम डाउन, काम डाउन। इस कनाडा जाने वाली फ्लाइट में तो पिंकू नाम का कोई है ही नहीं। अरे सॉरी अंकल, मैं आपको बताना ही भूल गया कि पिंकू तो उसका पेट नेम है, उसका असली नाम पंकज है। ओके, पंकज। इस फ्लाइट में पंकज नाम के दो लोग हैं, एक है पंकज पटेल एज 59, नहीं 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 वो नहीं वो नहीं, और दूसरा है पंकज दीवान एज 19। वही 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 होगा, वही होगा। पर पिंकू का असली नाम तो पंकज सहा है। ओके, लेट मी चेक। हाँ, लेकिन अभी तो थोड़ी देर में बोर्डिंग शुरू होने वाली है। सर सर प्लीज कुछ कीजिए, पिंकू को रोक लीजिए प्लीज सर। चला जाएगा सर। हाँ सर प्लीज। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। गेट नंबर 13 रिपोर्ट। रिपोर्टिंग सर। कनाडा जाने वाली फ्लाइट है, फ्लाइट नंबर CAN 13346। पैसेंजर का नाम है पंकज दीवान। अगर वो वहां पर है तो हमारी अर्जेंटली उनसे बात करवाई। ओके सर। लेट्स सी। मिस्टर पंकज दीवान, यहाँ कोई मिस्टर पंकज दीवान है? यस मैम। हेलो सर। हेलो। लीजिए बात कीजिए। बात कौन है? सर हमारे एयरपोर्ट के कस्टम ऑफिसर आपसे बात करना चाहते हैं। पर मैम उन्हें मुझसे क्या बात करनी है, जरा पूछिए। ओके सर। सर मिस्टर पंकज जानना चाहते हैं कि आपको उनसे क्या काम है। उनके फ्रेंड टप्पू उनसे बात करना चाहते हैं। ओके सर। सर आपके कोई फ्रेंड है टप्पू, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैम उन्हें बोल दीजिए मुझे बात नहीं करनी है। सर वो बात करना नहीं चाहते। ओके, ओवर एंड आउट। ओके सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। ओके ओके मैम, थैंक यू। आपका फ्रेंड तो आपसे बात करना ही नहीं चाहता। अरे ऐसे किसे वो बात नहीं करना चाहता? प्लीज प्लीज अंकल एक बार और पूछिए ना प्लीज। प्लीज प्लीज आप उसका बोर्डिंग रुका दीजिए। बेटा हमारे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हम ऐसे ही किसी को फ्लाइट पर चढ़ने से रोक नहीं सकते। और वैसे भी अगर आपका फ्रेंड कनाडा जाना चाहता है तो मैं तो क्या उसे कोई नहीं रोक सकता। प्लीज प्लीज अंकल कुछ कीजिए प्लीज। बेटा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, अब इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता। बेटा थोड़ी देर में बोर्डिंग शुरू होने वाली है, देखो जो कुछ हम कर सकते थे वो हमने किया। नाउ वी कांट स्टॉप अ पैसेंजर फ्रॉम बोर्डिंग अ फ्लाइट। आई एम सॉरी। आइडिया। अंकल हम पैसेंजर्स को जबरदस्ती नहीं रोक सकते, राइट? पर हम हमारे दोस्त को तो जबरदस्ती रोक सकते हैं ना। मतलब कि एयरपोर्ट पे कोई खो जाए या कुछ इमरजेंसी हो जाए तो ऐसी कोई सिस्टम तो होगी ना कि हम अनाउंसमेंट करें और सबको सुनाई दे। पब्लिक अनाउंसमेंट? हाँ। बस एक बार मुझे वहां ले जाइए, मैं बात करूंगा। पिंकू मेरी आवाज सुनेगा तो वो जरूर रुक जाएगा। प्लीज प्लीज अंकल एक बार अनाउंसमेंट कर दीजिए प्लीज। प्लीज अंकल। बेटा लिसन टू मी, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ लेकिन अंकल प्लीज एक लास्ट चांस। अगर अनाउंसमेंट के बाद पिंकू नहीं रुका तो हम लोग ऐसे चले जाएंगे। पर प्लीज एक लास्ट चांस दीजिए प्लीज। वो ऐसे चले जाएंगे प्लीज। प्लीज वंस वन लास्ट टाइम प्लीज सर। प्लीज। ओके। लेकिन ये मेरी तरफ से लास्ट एंड फाइनल हेल्प होगी। इज दैट क्लियर?
अनाउंसमेंट के बाद अगर आपके फ्रेंड को आना होगा तो 10 मिनट में आ जाएगा, वरना समझ लेना कि वो फ्लाइट बोर्ड कर चुका है, ओके? और उसके बाद आप दोनों यहाँ से चले जाएंगे। चलिए। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। चलिए अनाउंसमेंट कैबिन चलना है, चलिए। मिस्टर चड्ढा के लिए वो प्लीज सिक्योरिटी केबिन में आकर रिपोर्ट करें। यस सर। पद्मा, वी नीड टू मेक एन अर्जेंट अनाउंसमेंट। कनाडा की फ्लाइट में एक पैसेंजर है, पंकज दीवान। पंकज दीवान के लिए अनाउंसमेंट करनी है। हाँ सर, क्या अनाउंसमेंट करनी है? आपसे पंकज दीवान बोलिए, बाद में मैं बात कर सकता हूँ इफ पॉसिबल। ये अनाउंसमेंट मिस्टर पंकज दीवान के लिए है जो कनाडा जा रहे हैं। This announcement is for Mr. Pankaj Diwan. Pinku, मैं बोल रहा हूँ, टप्पू। Pinku, मुझे पता है तू मुझे सुन रहा है। Please यार, एक बार मिल ले। देख, कोई भी नहीं चाहता कि तू जाए। दोस्ती की कसम है, प्लीज यार मत जा। बारिश होगी तो एक दूसरे का छाता बनेंगे, धूप होगी तो एक दूसरे का साया बनेंगे, प्रॉब्लम होगा तो एक दूसरे का सॉल्यूशन बनेंगे। पिंकू तो जाएगा तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। प्लीज यार मत जा। पिंकू, तो अपनी सारी मेमोरीज, साथ में देखे हुए सपने, सब लेकर जा रहा है। प्लीज पिंकू रुक जा, मत जा। प्लीज पिंकू मत जा, प्लीज। ओके बच्चों, मुझे लगता है अगर उसको भी आना होगा तो वो आ जाएगा। आप लोग बाहर वेट कीजिए प्लीज। थैंक यू। कनाडा जाने वाले यात्रियों से निवेदन है कि वे अपनी गेट की ओर प्रस्थान करें। पैसेंजर्स ट्रैवलिंग टू कनाडा आर रिक्वेस्टेड टू प्रोसीड टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव गेट्स। जब बारिश होगी तब एक दूसरे का छाता बनेंगे, और अगर धूप होगी तो हम एक दूसरे का साया बनेंगे, प्रॉब्लम होगा तो एक दूसरे का सलूशन बनेंगे। यस, कभी ना टूटने वाली हमारी सेना, टप्पू सेना, टप्पू सेना, टप्पू सेना। बच्चों, उसे आना होता तो अब तक आ चुका होता, शायद वो वापस आना ही नहीं चाहता। एंड देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। एनीवेज, बोर्डिंग हो चुकी है एंड आप लोग यहां पर ज्यादा देर नहीं रह सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपके दोस्त भी बाहर वेट कर रहे होंगे, सो आई गेस यू शुड लीव। थैंक यू सो मच अंकल, हमारी इतनी मदद करने के लिए। नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच अंकल, आपने
बहुत आउट ऑफ द वे जाकर हमारी मदद की. वी आर वेरी ग्रेटफुल. थैंक यू. नो प्रॉब्लम. ऑल द बेस्ट. आपके पासेस. थैंक्स. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. पिंकू कुछ तो बोल, क्यों किया तूने ऐसा? बता भाई पिंकू कौन है तुम्हारे असली माँ बाप? क्यों तुम हमें उनसे नहीं मिलवा रहे हो? कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? उनका असली नाम क्या है? वो आज तक गोकुल धाम क्यों नहीं आए? अपने मम्मी पापा को एक राज बनाकर क्यों रखा है तूने बड़ा? अभी तक साफ दिखाई देने वाला हमारा दोस्त आज धुंधला दिख रहा है. क्योंकि अपनेपन की तस्वीर पे परायेपन की धूल जम गई है. अब हम पिंकू को शायद कभी नहीं मिल पाएंगे. क्या? नहीं मिल पाएंगे मतलब? वो फ्लाइट में बैठ गया क्या? टप्पू सोनू, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था ना. कोहली, हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर हम जैसे ही अंदर गए फिर. मुझे लगा पिंकू मेरी आवाज सुनकर रुक जाएगा, नहीं जाएगा कनाडा, हम सबसे मिलने आएगा, पर वो नहीं आया. इसका मतलब पिंकू अब हमें कभी नहीं मिलेगा. मतलब पिंकू हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा. बच्चों देखो, सब कुछ जो हम चाहते हैं वैसा नहीं होता. इसी का नाम जीवन है. अरे हमने तो पिंकू को रोकने की पूरी कोशिश की ना, पर पिंकू नहीं रुका. उसे भगवान की मर्जी समझ कर उसका स्वीकार करना. घर चलते, सब लोग हमारी राह देख रहे हैं. अफसोस, सारे प्रयास निष्फल हो गए. लगता है पिंकू के मम्मी पापा का राज राज ही रहेगा. लाख कोशिश की टप्पू सेना और चंपक चाचा ने, लेकिन नहीं रुका पिंकू. क्या संभावनाओं के सारे द्वार बंद हो गए, या फिर कोई मोड़ बाकी है? खैर ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन इस वक्त चंपक चाचा और टप्पू सेना के चेहरे बिल्कुल ऐसे हैं जैसे फूल मुरझा गए हो. ये मुरझाए हुए फूल क्या फिर से खिलेंगे? क्या ऐसा सूर्योदय होगा जिससे ये फूल फिर से खिल जाए? उसके लिए तो कल के सूर्योदय का इंतजार करना पड़ेगा. आपकी हंसी बरकरार रखेंगे हम. देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.